नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूँ प्रियंका। और बाजार में आज अगर बात करें तो पहले आपको फर्स्ट हाफ में हालांकि बहुत ही लल एक्शन देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के वक्त या फिर दोपहर 2 बजे के बाद रियल एक्शन शुरू हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स ने धमाकेदार पारी खेली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो आज फिर से एक नया रिकॉर्ड लेवल बनाया। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी मर तो आपको 18600 के ऊपर एक्सपायरी हुई, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में क्या दमदार पारी खेली आज। लगभग 43600 के पास आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स क्लोज हुआ। मेजरली द रिकवरी लेड बाय PSU बैंक स्पेस, और फिर बाद में लास्ट में आपको प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन भी देखने को मिली। तो ये तो एक छोटा सा स्नैपशॉट है, लेकिन पूरी डिटेल समरी के साथ हमारे साथ डिम्पी बने हुए हैं कि आज बाजार में दिन भर में कैसा एक्शन देखने को मिला। डिम्पी बताएं। देखिए, आज इवेंट का हफ्ता था, तो आज सेकंड इवेंट था मार्केट के पास जिसको उसको डिस्काउंट करना था, वो था गुजरात के इलेक्शंस और हिमाचल के इलेक्शंस। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक गुजरात के इलेक्शंस में तो बम्पर जीत है बीजेपी की, बट हाँ कांटे की टक्कर आपको दिखी हिमाचल के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि हिमाचल छोटी स्टेट है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ना था। और दूसरा, इंडिया विक्स थोड़ा कम था इसलिए इसको मार्केट एक इम्पैक्टलेस इवेंट समझता था। MPC और इलेक्शंस दोनों ही इम्पैक्टलेस इवेंट थे। मार्केट ने रेंज के हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं की। मामूली 50 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई है निफ्टी के अंदर, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा एक्शन था आज। फिर से बड़े बैंकों के बदौलत, वेटेज वाले बैंकों के बदौलत निफ्टी बैंक में वो परसेंटेज में बढ़ा, कन्विक्शन में भी बढ़ा, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बढ़ा और आज उसने नया ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर दिया। रही बात एडवांस डिक्लाइन की, तो मार्केट का मूड और माहौल इस समय कांटे के टक्कर का चल रहा है। आप देखेंगे करीब करीब 1000 शेयर अगर एडवांसेस के थे तो उतने ही शेयर डिक्लाइन में भी थे। तो मार्केट की जो ब्रेथ पहले 4-5 दिन पहले सुधरी हुई थी, अब आमने सामने की चल रही है। थोड़ा कन्विक्शन पहले के मुकाबले कम हुआ है। आ जाते हैं आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे जो कि बाजार की हेल्प कर रहे थे। आज बैंकिंग में एक्सेस और इंडसन दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने आज वेटेज के हिसाब से बैंक निफ्टी को चलाया और इंडेक्स को भी संभाला निफ्टी 50 को। इसके अलावा आइशर मोटर, L&T और हिंडालको, ये 3 शेयर और ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ हमको क्लोजिंग मिली है। कमजोरी कहां से आ रही थी? सन फार्मास्यूटिकल्स, हलोल प्लांट की खबर आई उसकी वजह से टूटा। डिविस इसकी चपेट में आ गया 1.5% भी नीचे। पावर ग्रिड, HDFC लाइफ और TCS जैसा दिग्गज शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि परसेंटेज में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी वेटेज के हिसाब से आज ये प्रेशर मार्केट में बनाते हुए दिखे। आज जो साल का नया हाई जिन कंपनीज ने टेस्ट किया निफ्टी 50 के अंदर, उसमें था एक्सिस बैंक और दूसरा 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने के बाद आज L&T एक बादशाह बन गया। आज L&T ने अपना साल का नया हाई टेस्ट किया है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कल क्या, आज क्या हुआ। अगर आज देखेंगे तो वहां पे फिर से सरकारी बैंकों का दबदबा फिर से आपको साफ दिख रहा होगा। सेंट्रल बैंक उसमें से एक था, बैंक ऑफ इंडिया, करूर व्यासा बैंक, ये कुछ एक बैंक्स थे जो कि काफी अच्छे चले। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर भी आज ताबड़तोड़ तेजी 4th डे बनती हुई दिखी है। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल को ऑर्डर की खबर आई तो ये शेयर भी चल गया। आज इसने परसेंटेज में करीब 10% का रिटर्न दिया। छोटे मझोले शेयर में जो पिट गए शेयर आज, वो था इज माई ट्रिप। ये 3-4 दिन से इसमें कमजोरी है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इसके अंदर बताई जा रही है कि हो रही है, जिसकी वजह से पिट रहा है शेयर। इसके अलावा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस FNO बैन में शेयर है, ये टूट गया। सनफार्मा, माफ कीजिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये कमजोर हुआ। और साथ ही ग्रीन पैनल के नाम से कंपनी है, ये भी आज कमजोरी के साथ ही बंद हुई। साल का हाई जो छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में लगाया वो था सेंट्रल बैंक ने, करूर व्यासा बैंक ने, गोडफे फिलिप्स ने, साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि बैंकिंग का दबदबा आज भी छोटे मझोले शेयर्स के अंदर आपको साफ देखने को मिल रहा था। अब मार्केट के इवेंट्स चले गए हैं, 2-4 इवेंट्स थे, एक्सपायरी का, इलेक्शंस के वर्डिक्ट का, ये सब खत्म हो गया। कल शुक्रवार का दिन है, कल थोड़ा डिसाइसिव डे रह सकता है बाजार की तेजी और मंदी तय करने के लिए। उम्मीद तो कर सकते हैं कि कल रेंज के अपर एंड या लोअर रेंज को हम टेस्ट जरूर करने जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो शुक्रिया डिम्पी ये सारी समरी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, तो ये तो बाजार पर एक आज दिनभर का एक्शन था, लेकिन बाजार पर दिग्गज निवेशक, दिग्गज एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट क्या व्यू बना रहे हैं। एक बार अंशुल सहगल से आज जब सुबह हमने बात करने के समझने की कोशिश की थी कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कितना फायदेमंद समझ रहे हैं, कौन से पॉकेट्स पर उनकी नजर है, आइए एक बार सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मार्केट में कभी हाँ कभी ना का माहौल है। क्या हो रहा है कि एक दिन के लिए मार्केट चलती है, लोग थोड़ा सा बुलिश हो जाते हैं, अगले दिन गिर जाती है, लोग बेरिश हो जाते हैं।
बाय एंड लार्ज अगर आप थोड़ा लंबा समय देखें, लास्ट ईयर दिसंबर से इस साल का दिसंबर, तो आप देखेंगे कि मार्केट में माहौल मंदी का बढ़ता ही गया है। कैश लेवल्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बढ़े हैं। जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, चाहे एफआईआईस की हो, चाहे एचएनआईस की हो, चाहे प्रॉप की हो, वो बढ़ी हैं। और ये माहौल हमें ये बताता है कि ये मार्केट हैवी नहीं है। इस मार्केट में इतनी तेजी का माहौल नहीं है कि हमें डर के बैठना चाहिए। इस मार्केट में मंदी का माहौल है, जिस वजह से मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ का सपोर्ट मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि कुछ पीरियड के लिए, जनवरी फरवरी कहते हैं कि पीरियड थोड़ा वॉलेटिलिटी का होता है, ये जरूर है कि उस पीरियड में वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन क्या अगले साल मंदी का माहौल रहेगा, हमें लगता है कि ये मुश्किल है। और एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस साल में, जबकि पिछले 2-3 महीने में हमने एफआईआईज को इंडियन मार्केट्स खरीदते हुए देखा है, लेकिन पूरे साल में एफआईआईज ने $20 बिलियन से ज्यादा की बेच की है, उन्होंने बेचा है इस मार्केट को। वो पैसा अभी हायर लेवल्स पे वापस आना है। तो अगर वो वापस आएगा इतना पैसा, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को चलेगी। हमारा हमार हमें ये लगता है कि अगर कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन इस मार्केट को डाउनसाइड सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट को डाउनसाइड सपोर्ट है, यानी यहाँ से बाजार ज्यादा नहीं गिरेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, यही आपका मंत्रा होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वक्त, कि बाजार ऊपर ही जाएंगे और आपको बने रहना है, छोटी मोटी गिरावट और वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, यही हमें अंशुल बता भी रहे थे। एक बार आज के कई स्टार स्टॉक्स, स्टार परफॉर्मर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एलएनटी ने भी आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, कल आपको याद होगा सीमेंट्स में एक अच्छी मूव थी, एलएनटी में आज बड़ी जो मूव देखने को मिली, 2200 की तरफ बढ़ता हुआ एलएनटी आपको दिख रहा है, लगातार चौथा दिन है जब स्टॉक में तेजी है, और कंपनी का तो आज मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया, क्या बड़ी वजह है? एक बार शरद ने कई रीजंस कंपाइल किया, ये समझते हैं। जी बिल्कुल, एलएनटी फोकस में है और पहली बार जो है कंपनी जो है उनके 3 लाख करोड़ के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको पार किया गया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पे चल रही है कंपनी और देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है, और ऑफ कोर्स पिछले 4 सेशंस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और जून के लेवल से बात करें तो वहाँ पर जो है 48% का जो है ग्रोथ जो है उछाल देखने मिला है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपेक्स पिकअप हुई है उसके कारण सबसे बड़े बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स एलएनटी रहने वाले, और उसके कारण जो है कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने मिल सकता है। अब ये जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि अब प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स जो है अब आने लगे वो बड़े हैं। अगर H1 FY 23 के आंकड़े की बात करें, जो पहले 6 महीने हैं इस वित्त साल के, तो यहाँ पे देख रहे लगभग 93,800 करोड़ की जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर वित्त साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के ऊपर है, जहाँ पे उनके गाइडेंस के जो हासिल कर सकता है। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आ रही है, प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप हो रहा है। और अगर देखें तो आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या आप ले लीजिए इंजीनियरिंग, इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, तो इसके बाद जो है एक रब ऑफ इफेक्ट जो है उनके बाकी सारे प्लेयर्स को भी देखने मिल सकता है। और हम लोग देख रहे हैं हाल ही में इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, आय के जरिए कंपनी का जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है पीएल में, और वो जो है बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन सरकार ने जो फोकस की है वो स्पेशली की है आपको इंफ्रा के स्पेंड में, और दूसरा है पीएलआई स्कीम के, इसके कारण भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जिस पे कंपनी फोकस कर रही है। इन 2 सेगमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, पहला है ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट और दूसरा है डेटा सेंटर। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी आगे फोकस कर रही है। अब याद रखिए बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छी रनअप जो है एनालिस्ट का मानना है कि देखने मिल सकता है, डिस्पाइट अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक है उसके अलावा। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 35% का ग्रोथ दिखाया और एक साल में लगभग 17% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो है आज एलएनटी जो है दिन के ट्रेड में फोकस रहेगा। ठीक है, एलएनटी पर तो आज फोकस दिन भर रहा भी है। शुक्रिया शरद, ये सारी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, पूरे स्पेस की बात करेंगे, ओएमसी स्टॉक्स, जितने भी ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स हैं, इनमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके पास अंडर रिकवरीज बेहद थी, क्रूड हाई लेवल्स पर था, लेकिन अब जब क्रूड $80 के भी नीचे जब स्लिप कर गया है, तो क्या कोई रेस्पाइट है?
सौमित ने इनकी अंडर रिकवरीज कितनी है उस पर एक डिटेल तैयार किया, और हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी बने हुए हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी होती हैं इलेक्शन के समय पर या फिर अंडर रिकवरीज को देखते हुए क्या सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है। पहले सौमित से अंडर रिकवरीज का स्टेटस समझते हैं। सौमित बताएं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में अगर हम देखें तो रिटेल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल है, इनके प्राइसेस में कोई भी चेंज हमें देखने नहीं मिली थी। और उसके सामने अगर हम देखेंगे तो उनकी जो मेन रॉ मटेरियल है ब्रेंट क्रूड, उसके प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अंडर रिकवरी हुई जब वो पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे, तो उसका अंडर रिकवरी का जो अमाउंट था वो करीब 60-65,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में। अब क्या हो रहा है कि क्रूड प्राइसेस $80 के नीचे चल चुके हैं, बट फिर भी जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस है पेट्रोल डीजल वो अभी भी अनचेंज और हायर रेंज की तरफ है। तो इसके वजह से जो प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बेच के वो मार्जिन्स कमाते हैं वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर पेट्रोल पे अगर आप देखेंगे तो पहले एक लॉस था 1.2 रुपीज़ पर लीटर का Q2 में, अब ये प्रॉफिट है करीब 16.8 रुपीज़ प्रति लीटर का। और डीजल की अगर हम बात करें तो उस पर करीब 7.1 रुपीज़ प्रति लीटर का प्रॉफिट है, और पहले क्वार्टर में ये लॉस था करीब 13.4 रुपीज़ का। तो कितना बड़ा स्विंग हुआ है लॉस टू प्रॉफिट में आप देख ही सकते हैं दोनों ही पेट्रोल और डीजल के मामले में। तब इसके कारण जो मार्केटिंग सेगमेंट है वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। बट इसके पीछे का सबसे बड़ा एक क्लॉज यही है कि क्रूड प्राइसेस $80 प्रति बैरल के नीचे रहे, अगर प्राइसेस वापस बढ़ने लग गए तो ये लॉसेज भी बढ़ सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बट क्या इसका मतलब ये होता है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करीब 15-20 दिन का एक इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, और इस सडन ड्रॉप होने के कारण क्रूड प्राइसेस में इन्वेंट्री लॉसेज हो सकते हैं भारे पैमान पे इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जैसे कि IOCL, BPCL और HPCL। तो ओवरऑल बेसिस पे शायद फिर भी प्रॉफिटेबल ना हो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और अगर रिफाइनिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़ा एक सेगमेंट है OMCs का, तो रिफाइनिंग सेगमेंट ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अगर हम देखते हैं तो स्टेबल रहा है। तो रिफाइनिंग सेगमेंट स्टेबल है, मार्केटिंग सेगमेंट में शायद प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है क्योंकि क्रूड प्राइसेस काफ़ी गिर चुके हैं, बट इन्वेंट्री लॉसेज ज़रूर होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को थर्ड क्वार्टर ऑफ FY23 में। ठीक है, यानी कहाँ पर उनको अंडर रिकवरीज थोड़ी रिकवर हो सकते हैं यह हमें सौमित ने बताया, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के प्राइसेस घट सकते हैं? इससे तो बड़ा फायदा होगा OMCs को, प्रकाश बताएंगे। ये बताएं प्रकाश। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से क्रूड की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत राहत नहीं मिलने जा रही है। सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि कीमतों में तुरंत कटौती की जाए, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो अंडर रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 1.5 साल में जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं पेट्रोल डीजल पर जो अंडर रिकवरी है वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का है। ऐसे में अंडर रिकवरी की वजह से इस बात की संभावना बेहद कम नज़र आ रही है कि तुरंत जो है आम कंज्यूमर को पेट्रोल डीजल में कटौती का फ़ायदा जो है वो दिया जाए। खासकर डीजल के ऊपर अगर आप अंडर रिकवरी की बात करें तो अभी भी प्रति लीटर 15 रुपये से ज़्यादा का अंडर रिकवरी है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस बात के लिए संपर्क किया है कि अंडर रिकवरी के अगेंस्ट में जो लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उसको कॉम्पनसेट किया जाए। अभी इसका कैलकुलेशन चल रहा है, बट सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो रकम है वो 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम जो है हो सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकार ने LPG के मामले में घाटे की भरपाई के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए की रकम दी थी। इस मसले पर अभी चर्चा चल रही है। सरकार का प्रयास अभी ये है कि कीमतों में गिरावट की वजह से जो फ़ायदा अभी हो रहा है उसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले अपने जो घाटा है उसकी भरपाई कर लें, उसके बाद कीमतों में कटौती के बारे में फैसला किया जाएगा। इसको एक तरफ से तो ये रिस्पाइट है कि आगे जो आप दाम देने होंगे तेल को खरीदने में वो उतने नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि जितनी भी OMCs हैं वो 15-20 दिन के क्रूड इन्वेंट्री पीरियड पर चलती हैं, उनको इन्वेंट्री लॉस होगा क्योंकि उन्होंने पहले से ही महंगे दाम पर खरीद रखा है, तो बड़ा रिस्पाइट नहीं दिख रहा है OMCs पे, लेकिन एक्शन OMC स्टॉक्स में काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सौमित और प्रकाश, ये सारी खबर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन ET Now स्वदेश के साथ आप बने रहें। नमस्कार।